जैसे कृष्णा, नीलम के किचन में आपका स्वागत है। दीपावली और करवा चौथ स्पेशल आज बना रहे हम ऐसा मीठा जो हर कोई को पसंद है और खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस मीठे को आप महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए भी बना के रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो चलो बनाते हैं। मीठा बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी सूजी ली है और इसे हमने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है हमने। सूजी कोई सी भी ले लेना, मोटी बारीक, लेकिन उसे ग्राइंडर जार में डाल के पीसना है। इस तरीके का पाउडर बनाना है। सूजी को हम इसमें डाल लेंगे। तो ये हमने आधा कटोरी दही लिया है, इसे हम फेंट लेंगे। ये देखिए हमने दही को फेंट लिया है। ये डाल रहे हैं हम नारियल का बुरादा 4 चम्मच। दही में डाल देंगे, साथ में डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी, इसे भी हम फेंट लेंगे साथ में। ये देखिए हमने फेंट लिया है सभी को साथ में, घी और नारियल का बुरादे को भी अच्छे से। इलायची पाउडर डाल देंगे, दरदरी सी कुटी हुई इलायची डाल दी हमने। अब डालेंगे हम चीनी का पाउडर। हमने चीनी का पाउडर और सूजी को अच्छे से मिला ली है। अब डालेंगे हम ये दही, दही घी और नारियल का बुरादा फेंट के रखे था वो हमें डालना है इसी में। और इसके साथ ही ये आटा लगाना है। ये हमने पूरा दही डाल दिया है। ये देखिए हमने आटा लगा लिया है और ये आटा बहुत ढीला दिख रहा है, यानी थोड़ा पतला दिख रहा है। तो इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। सूजी है पूरा पानी सोख लेगी, यानी दही सोख लेगी। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुकी है। अब देखिए हो गया ना टाइट, और हमें इतने की टाइट चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए। ये 3 हमने लोई बना ली है इसकी। ये हमने रोल बना लिया है, ये रोल बना लिया। अब हमें 3 खुड़ का बनाना है, तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से कर लेंगे। तीन खुड़ का बनाना है तो इस तरीके से रोल बनाना है और इस तरीके से कट लगाना है, इस तरीके से कट लगाना है और इस तरीके से। हमने 4-5 तो बनाया है ये 3 फुट के डिजाइन में। अब हम बनाएंगे गोल, तो हमने इसे बेल लिया है और इतना मोटा रखना है। और जितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप कट कर सकते हैं। अब मैं इतना बड़ा बना रही हूँ और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से बना लेना, गोल या तिकुटा बना दो आप, आपके ऊपर है। जैसे भी डिजाइन बनाओ इसे निकाल सकते हैं। तो हम इस तरीके से सारी मिठाई बना लेंगे मीठा। ये देखिए हमने सारे मीठे बना लिए हैं, शक्कर पारा या बिस्किट भी बोल सकते हैं इसे। हमने इसे गोल और तिकुटा बनाए हैं। ये हमने कढ़ाई रख दिया, तेल डाल दिया है, गैस चालू कर दिया। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना। तेल को चेक कर लेते हैं, नहीं ये बबल्स आने लग गए हैं हल्का हल्का। अबे हम डालना है, तेल हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया। एक एक करके सारे मीठे डाल देंगे, तो हम इस तरीके से एक एक करके डाल देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया जितना है उतना, और हमें गैस को स्लो रखना है, हाई नहीं करना है, धीमी आंच पे हमें इसे सेकना है। हाई नहीं करेंगे, हाई कर देंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, अच्छे से सिकेंगे नहीं। और 1 मिनट होते ही इसे हम पलट देंगे। 1 मिनट हो चुकी है, अब इसे हम पलट देंगे।
आसानी से पलट देंगे और इसे हम पकने देंगे, सिकने देंगे। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और सिकने देंगे। सिकने में 5 से 6 मिनट लग जाएगी धीमी आंच पर। चेक करते रहेंगे बीच बीच में, इसे चलाते रहेंगे। तो इसे हम थोड़ी देर 1 मिनट के लिए और सिकने देंगे, ज़्यादा नहीं करना, 1 मिनट और सिकने देंगे। ये देखिए हमारे मीठे अच्छे से सिक चुके हैं, गोल्डन कलर हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अभी हमें ज़्यादा नहीं सेकना, इतना ही कलर चाहिए। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं। अब डाल देंगे हम दूसरे नंबर के भी, एक एक करके डाल देंगे जितना आएगा उतना। तो ये हमारे गोल वाला है, एक मिनट हो चुकी है। अब इसे हम पलट देंगे, इस तरीके से पलट देंगे और सारे मीठे हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे मीठे बना लिए हैं। तो हमारे सूजी के मीठे या बिस्किट या शक्कर पारे भी बोल सकते हैं, वो बनके तैयार है और एकदम खस्ता और टेस्टी। तो इस मीठे को आप महीने भर के लिए भी बना के रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होएगा। तो दीपावली और करवा चौथ पे भी बना सकते हैं। तो दीपावली करवा चौथ स्पेशल मीठा हमारा बनके तैयार है, जरूर से बनाइए एक बार। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको मैं तोड़ के भी बता देती हूँ, ये इतना क्रंची बना है। और एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।